हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट पे लैच नहीं कर पाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आई एम श्रेया शाह, मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ एंड चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। मैं कपल्स को तभी से ट्रेन करती हूँ जब इसे वो बच्चा प्लान कर रहा है, प्रेग्नेंट है, पोस्ट डिलीवरी केयर, बेबी केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी डेवलपमेंट। बट अभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे मदर्स मुझे पूछते हैं कि श्रेया, मेरे बच्चे ने तो कभी लैच ही नहीं किया, मेरे बच्चे को तो लैच करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, तो फिर एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को खुद के ब्रेस्ट के साथ ऑब्जर्व करना है, आपके निप्पल्स कैसे हैं, अगर इन्वर्टेड निप्पल्स है, फ्लैट निप्पल्स है, तो उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। तो फिर उसके लिए शायद से आप लोग को निप्पल शील्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। सी, निप्पल शील्ड ये ऐसा चीज़ नहीं है जो आप एक डेढ़ साल तक बच्चे को फीड के लिए यूज़ करोगे। दो मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने वो भी सजेस्ट किया हुआ है, बट मेजरली निप्पल शील्ड ये ऐसा चीज़ है जो बच्चे को सक करना सिखाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग बच्चे को ज़बरदस्ती मुंह में ब्रेस्ट दे तो देते हैं बट बच्चा प्रॉपरली लैच कर ही नहीं पाता है, तो फिर एग्जैक्टली हम लोग को क्या करना चाहिए। अगर आप नए मदर हो या ड्यू डेट के आसपास हो या ऐसी मम्मा हो जिसके बच्चे ने कभी भी लैच नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं रीजंस क्यों बच्चा लैच नहीं कर पाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वजह आपके डिलीवरी से रिलेटेड है। कई बार लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि डिलीवरी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है। क्या आपको एनेस्थेशिया दिया गया था, क्या आपके सिजेरियन डिलीवरी के वक्त पीठ में इंजेक्शन दिया गया था, क्या किसी वजह से बच्चे के साथ सेपरेशन क्रिएट हुआ था, क्या किसी वजह से मम्मा को ओवर मेडिकेशन या किसी चीज़ से ओवर स्टिमुलेशन किया गया था, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या किसी वजह से मम्मा का इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं था, जहाँ पे मम्मा को फेलियर की तरह फीलिंग हुआ कि नहीं मैं नहीं कर पाई, मुझसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाया, मैंने सब कुछ करने के बाद भी मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाया। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर होता है और अल्टीमेटली बच्चे के लैच के ऊपर भी होता है। जब भी आपको कोई एनेस्थेशिया इंजेक्शन दिया जाता है तो ऑब्वियसली उसका असर बच्चे पे भी है, जो बच्चे के सकिंग रिफ्लेक्स के ऊपर असर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा चीज़, ये मिराकल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बच्चा सकिंग जो है, मतलब लैच के साथ जो सकिंग है, वो पेट के अंदर से फोर्थ मंथ से प्रैक्टिस करता है। तो बच्चा पेट के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा है, इट्स अ सकिंग प्रैक्टिस। हम लोग एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि बच्चा हर वो चीज़ सीख के आता है जो बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रोना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि सक करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुसु पॉटी करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चा वो सब चीज़ें सीख के ही आता है। नेक्स्ट थिंग, अगर किसी वजह से बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया गया टू लैच एंड टू सक, तो फिर वो बच्चे लैच और सक नहीं कर पाता है। शायद इसका मतलब क्या कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया गया, से किसी वजह से बच्चे को चेस्ट पे नहीं दिया गया, नहीं नहीं माँ रेस्ट करिए अभी, प्लीज़ आप एक दिन बच्चे को पास में ही मत दो, बच्चे को ऊपर का दूध लेने दो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला। अगर किसी वजह से नहीं, हमारे यहाँ पे ना बॉटल देने का सिस्टम है, आप बच्चे को बॉटल से दूध दे दो तो बच्चे को यहाँ पे ब्रेस्ट पे लैच करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया गया। अगर किसी वजह से माँ और बच्चे में सेपरेशन है तो फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो बच्चे का लैच नहीं होने की ये सब चीज़ें हो सकती है वजह के तौर पर। अब जानते हैं सल्यूशन, शायद इसका एग्जैक्ट सल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो, ये सल्यूशन तभी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा जितना आपका बच्चा छोटा है। जितना बच्चा बड़ा है उतना इस चीज़ को काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा चीज़, माँ का डिटर्मिनेशन और फैमिली सपोर्ट कितना ज़्यादा है। बिकॉज जब भी कोई माँ बच्चे को लैच सिखाना चाहती है तभी उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस भी लगता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, तो आपको फैमिली का सपोर्ट भी लगता है और माँ का भी पेशेंस लगता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग को रिलैक्स और नॉलेजेबल मदर चाहिए। जब भी माँ को सही गाइडेंस मिलता है, इनफैक्ट मेरे यूट्यूब पे कई वीडियोस पे कमेंट आ चुकी है जहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ हमें बोलते हैं कि हमें शायद से सही गाइडेंस ही नहीं मिला, हमें पीडियाट्रिशियन से सही हेल्प नहीं मिल पाया, हमारे यहाँ पे जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है उनके से सही हेल्प नहीं मिल पाया।
ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है कि एक माँ क्या कॉन्फिडेंटली ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगी। अभी जानते हैं बच्चे को लैचिंग करवाना कैसे सिखा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करना है, ब्रेस्ट सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ब्रेस्ट पत्थर की तरह कड़क है, एंगोज है, तो बच्चे को लैचिंग सिखा पाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बच्चे का ब्रेस्ट पे ग्रिप नहीं बैठता है, बच्चे के गम्स फिसल जाता है। तो एज अ थंब रूल आपको याद रखना है, आप जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लो, आपका ब्रेस्ट हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसे जो कड़क हिस्सा है वैसे नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका ब्रेस्ट सॉफ्ट है तो आप बहुत अच्छे से फीड कर पाओगे। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि बच्चा निपल फीडिंग नहीं करना चाहिए। बच्चे का मुंह का जो लैंडिंग है, सी ये जो रिफ्लक्स है ये बच्चों में होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको आपके ब्रेस्ट को उस हिसाब से होल्ड करना है ताकि बच्चे के मुंह का लैंडिंग ब्राउन एरिया पे हो, और फिर बच्चा, मुझे कई लोगों ने बोला है कि श्रेया मेरे बच्चे को मैं लैच तो करवा देती हूँ बट मेरा बच्चा वहाँ पे सक ही नहीं करता। अगर आपके बच्चे को बॉटल का आदत है तो बच्चा ब्रेस्ट पे सक करने में बहुत दिक्कत देता है, तो अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो बॉटल को स्किप कर दो। कटोरी चम्मच से अगर आप लोग दूध पिलाओगे तो तभी बच्चे काफ़ी हद तक लैच करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट आइडिया इस बच्चे के मुंह में उंगली रख के बच्चे को सकिंग सिखाना। सो से आप फीडिंग के जो सिरिंज होता है उससे अगर बच्चे को दूध पिलाते हो तो फीडिंग का सिरिंज मुंह के एक तरफ अंदर डाल के एक एक बूंद दूध डालो और उसके साथ ये जो उंगली है ये मुँह के अंदर रख दो। तो एग्जैक्टली कैसे रहेगा, एक तरफ से सिरिंज डाला हुआ और एक तरफ से उंगली है और आप बच्चे को ये एग्जैक्टली उस टाइप का सकिंग हो जाता है जैसे हम लोग बोलते हैं लुक एट दिस, उंगली आपने अंदर डाला हुआ है, नाखून कट किए होने चाहिए, हाइजीनिकली वॉश्ड हैंड्स, यू जस्ट पुट इट इनसाइड, यहाँ से सिरिंज। तो बच्चा बेसिकली वही दूध पी रहा है जो आप लोग सिरिंज से अंदर डाल रहे हो और वो बच्चे का काम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर देगा बच्चे को सकिंग सिखाने के लिए। नेक्स्ट थिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बच्चे को जब भी भूख लगी है तभी बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर सकिंग के लिए लो, एंड दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है या सक नहीं कर पा रहा है तो फिर आप लोग को ब्रेस्ट के डिफरेंट होल्ड्स ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप सी होल्ड में पकड़ सकते हो, सीजर होल्ड में पकड़ सकते हो और डाउनवर्ड सी में पकड़ सकते हो या वर्टिकल वी में ब्रेस्ट को पकड़ सकते हो। सो ब्रेस्ट को होल्ड करने के अलग अलग तरीके अगर आप लोग यूज़ करोगे तो बच्चा कई बार अलग पोजिशन में लैच बहुत अच्छे से कर लेता है। नेक्स्ट आइडिया, यू हैव टू ट्राई टू चेंज द फीडिंग पोजिशन। कई बार फीडिंग पोजिशन चेंज करने की वजह से भी लैच सेट हो जाता है। से आप सोफे पे ट्राई कर सकते हो, रिक्लाइनर पे ट्राई कर सकते हो, सिटिंग फीडिंग ट्राई कर सकते हो, सो के फीडिंग ट्राई कर सकते हो। सो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आपको कितना एक्सप्लोर करना है, बट अगर आप पोजिशन को चेंज करके ट्राई करोगे तो वो काफ़ी हद तक बच्चे को हेल्प दे सकता है लैच करवाने के लिए। नेक्स्ट आइडिया, अगर आप लोग निप्पल के ऊपर खुद का कुछ दूध निकाल के निप्पल के ऊपर अगर ड्रॉपर से डालते हो तो वह कई बार बच्चे को सक करने के लिए मोटिवेट करता है और बच्चे का लैच सेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको लगता है शायद मेरा बच्चा लैच कर पाता है बट लैच मेंटेन नहीं कर पाता है तो फिर आप लोगों को रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके रिलेटेड हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं बट इट्स बेसिकली निप्पल के साइड के ब्राउन एरिया में प्रेशर फॉर 20 सेकेंड्स, टर्न फॉर 20 सेकेंड्स, अगेन प्रेशर, टर्न, 20 सेकेंड्स प्रेशर, टर्न, 20 सेकेंड्स प्रेशर। सो बेसिकली निप्पल के साइड के हिस्से में 20 सेकेंड्स अगर आप लोग प्रेशर करोगे तो इससे जो फ्लूइड कंटेंट होता है ब्रेस्ट के आगे के हिस्से में वो पीछे की तरफ जला जाता है और उसे मिल्क आगे आने में हेल्प होता है। एंड सेकेंडली ये टेक्निक बच्चे को अच्छे से लैच करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बी अ रिलैक्स्ड मदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बच्चे को KCT दो, कांगारू केयर थेरेपी। आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो मतलब आप एक सक्सेसफुल मदर हो, ऐसी बात नहीं है, बट याद रखो जो बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के वो आप ऑब्वियसली बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिन में 2 से 3 बार टॉपलेस रहो, बच्चे को चेस्ट पे लो, बच्चे को काम डाउन करो, बच्चे को पास में लो, बच्चा कंटेंडेड हो तभी एक्टिविटी करो ताकि बच्चे को स्किन टू स्किन टच मिलेगा और बच्चे को वो सिक्योरिटी भी मिलेगा जो मिलना बच्चे का हक है।
नेक्स्ट थिंग, टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड न्यूट्रिशन. बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी है, इनफैक्ट इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो भी करेंगे. सब कुछ खाने के बाद भी दूध अगर नहीं बढ़ता है तो क्या करना चाहिए. खाना ये 30% पार्ट है जो आपके ब्रेस्ट मिल्क फ्लो को मैनेज करता है, बट जो बचा हुआ 70% है वो आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जैसे कि रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग है, KCT है, कांगारू केयर थेरेपी है, बच्चे को अलग अलग पोजीशन में लेना है, बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेके जाके वो स्मेल करवाना है, अलग अलग वे में ब्रेस्ट को होल्ड करना है. तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इंश्योर दैट आपका फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, तो ये आपको मोटिवेटेड रखने में हेल्प करेगा. मम्मा लास्टली याद रखो, अगर आप इस जर्नी में काफ़ी दूर आ चुके हो, आपका बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का, और बच्चे ने कभी भी लैच नहीं किया, मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये वीडियो देख के कोई भी गिल्ट में जाओ. एक चीज़ खुद को बता दो, आप वो हर चीज़ करते हो जो आपको पता है आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, इसीलिए आप आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट मम्मा हो, एंड दैट्स इट. ब्रेस्ट फीडिंग कर पाओ तो भी, और किसी वजह से नहीं हो पाया तो भी, प्लीज़ खुद को जज मत करो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.mayaduja.com. अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से जो भी आपको नॉलेज मिला, क्या उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.